अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका भाई अली आज आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब भी खैरियत से होंगे। आज के व्लॉग में मैं हूं एज अ होस्ट और मेरा गेस्ट है मेरा कज़न अमान कुरैशी जो कि बहरीन से आया है। अच्छा जी, मीट माय कज़न अमान कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम अमान। वालेकुम सलाम अली भाई, क्या हाल है? ठीक है आप? अल्लाह का शुक्र। अमान आप सुनाएं, आपकी क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र है अली भाई। अच्छा अमान, बहरीन से पाकिस्तान वापस कितने टाइम बाद आए हो? मैं अली भाई कम से कम भी 4 साल के बाद आया हूँ। 4 साल के बाद जी। तो यार 4 साल तक पाकिस्तान को मिस किया? बहुत ज़्यादा सर, बहुत ज़्यादा। क्या क्या मिस किया पाकिस्तान के अंदर? सबसे ज़्यादा मिस किया अपने कज़न्स को। सही है, जिनके साथ मैं उठता बैठता था। सही है। इसके अलावा खानों को। खानों को? अच्छा जी, खानों को। खानों को तो आपने मिस किया है, तो यार फिर आज कुछ खाना पीना हो जाता है ज़बरदस्त किस्म का ऐसे? बिल्कुल। तो यार फास्ट फूड खाना पसंद करोगे या फिर कुछ देसी? अली भाई फास्ट फूड तो आपको पता है बाहर के मुल्क में यही चलता है। सही है, आज क्यों ना कोई देसी खाया जाए। चलो यार फिर हम आपको डीजी खान के ट्रेडिशनल फूड खिलाते हैं और आज आपको ना गोश्त खोर बनाते हैं। ठीक है, तो चले चलते हैं अमान को कोई ऐसा ट्रेडिशनल डीजी खान का फूड खिलाने के लिए जो कि अमान को दोबारा से पाकिस्तान की याद दुबाला कर दे। अच्छा जी, अब हम पहुंच चुके हैं न्यू कोयटा शनवारी होटल। ये न्यू कोयटा शनवारी होटल जो है वो है इंडस हाईवे के ऊपर जो कि डीजी खान से 25 किलोमीटर दूर है और यहाँ पर बिल्कुल बलोच की और ट्रेडिशनल पठानी खाने मिलते हैं। आज मेरे साथ हमाद भी है मेरा कज़न और उसके साथ साथ अमान को तो आप मिल चुके हैं, अमान भी है। यहाँ पर जो माहौल है वो बिल्कुल प्रॉपरली एक पठानी और बलोच की कल्चर की तरह है और जो यहाँ पर सिटिंग जो एरिया बनाया हुआ है वो बिल्कुल तख्त जैसे होते हैं बलोच की ट्रेडिशनल, वही उसी तरह बिल्कुल उसी तर्ज का ये सारा बना हुआ है। अमान क्या क्या ऑर्डर किया यार? अली भाई हमने लाम मंदी और मटन कढ़ाई ऑर्डर की है। ओके ओके, इन्होंने शूज़ के लिए बिल्कुल सेपरेट जगह बनाई हुई है जहाँ पर कि हम अलग से यानी कि शूज़ रख सकते हैं ताकि जो गंदगी है वो हॉल के अंदर मत जाए। अच्छा जी, कहीं पर भी जाते हैं तो किचन इंट्रो मस्ट है, तो मैं न्यू कोयटा शनवारी होटल के किचन में आया हूँ जहाँ पर मैं आपको उनका तमाम जो चीज़ें हैं वो दिखाऊँगा कि किचन में इनके क्या क्या है और ये किस तरह यानी कि फूड बनाते हैं। हमारे शेफ़ हैं वो हैं अजब खान भाई। अजब खान भाई बेसिकली आप कहाँ के हो? मैं कोयटे के हो जी। सही है, माशाल्लाह।
भाई जान क्या क्या बन रहा है यहाँ पे? चिकन हांडी और चिप्स। ये चिकन हांडी मतलब अफगानी टाइप है, पिशावरी टाइप है सही। अच्छा जी, अब हमारे पास आ गई है हमारी ये लाहम मंदी, तो अब हम इसको ट्राई करेंगे और अमान भी ट्राई करेगा और फिर हम इसका रिव्यू करेंगे कि कैसी है। बहुत मज़ेदार है भाई। यह इसको जो मीट है वो फुल टाइम टेंडर हो चुका है और हैवी सीन है, और जिसकी राइस है वो भी फुल टाइम अच्छे से बॉयल्ड हुए हैं। पास जो अब नेक्स्ट डिश है वो है मटन कढ़ाई यहाँ की, तो मटन कढ़ाई का भी अब मैं टेस्ट करने लगा हूँ और उसकी भी बाइट लेता हूँ एक प्रॉपर। अच्छा जी, अब मैं इसकी प्रॉपर एक बाइट लेने लगा हूँ। मज़ेदार, हैवी सीन है यार, अच्छे से टेंडर हो गई है। अच्छा जी, नींबू के साथ इसका जो टेस्ट है ना और ज़्यादा अच्छा हो चुका है, और बहुत ज़्यादा, यानी कि ना इसने ग्रेवी बहुत अच्छी बनाई हुई है। VIP फुल चस आ गई है, एक फुल सीन हैवी सीन ऑन है। जितना इस होटल का नाम सुना था उससे भी बेहतरीन, ज़बरदस्त आला। अच्छा मान, आपको कैसी लगी यार? बहुत ज़बरदस्त लगी भाई, कढ़ाई का मज़ा आया फिर? कढ़ाई भी बहुत ज़बरदस्त थी और मंदी, मंदी भी बहुत ज़बरदस्त। कौन सी आइसक्रीम अच्छी है भाई? कुल्फा। कुल्फा या कुल्फा? कुल्फा। तुम दोनों की अब लड़ाई हो जाएगी है ना? नहीं यार, कुल्फा अच्छी है भाई, आपने खुद टेस्ट किया। देखो असद, तू क्या कहता है यार, कौन सी अच्छी थी? असद सच सच बताया यार, कौन सी अच्छी है? कुल्फा। अली भाई आप मान जीत गया भाई, कुल्फा अच्छी है। अच्छा अमान, न्यू कोटा शनवारी होटल के आपके रिव्यूज़ कैसे हैं, आपको कैसा लगा? खाना बहुत ज़बरदस्त है इनका, सही, और सिटिंग प्लेस भी बहुत अच्छी है, और माशाल्लाह सफाई भी बहुत है इनकी, सही हो गया। बाकी ओवरऑल? ओवरऑल माशाल्लाह ज़बरदस्त है। दोबारा से पाकिस्तान याद आ गया आपको, पाकिस्तान के खाने और वो सारी चीज़ें? बिल्कुल बिल्कुल, वापसी याद आ गया पाकिस्तान। चलो यार, मैं बस आपको वही एक ट्रेडिशनल फूड अपना डीजी खान का खिलाना चाहता था बेहतरीन तरीके से। थैंक यू वेरी मच, कोई इशू नहीं है यार। और अब आप सबसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह, तो तब तक के लिए भाइयों को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।